क्या आप भी नॉट योर टाइप आरजी बकेट लिस्ट जैसे स्टोरी टाइम एनिमेशन वीडियोस बनाना चाहते हो? इफ़ यस, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनिमेटेड वीडियोस कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाए जाते हैं। एक एनिमेटेड स्टोरी को बनाने के लिए बेसिकली 5 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अब हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में जानने वाले हैं। सो यार, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोलता कीर्ति, वीडियो अपलोड करे क्या? अरे आरजी अभी आराम करते यार, वैसे भी तो 5 मिनट में वीडियो बन जाती है। अरे कीर्ति सही बोला, माय मैन, फुल हैकर बोलते। देखो, कोई भी वीडियो बनाने से पहले उस टॉपिक या आइडिया पर आपको बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्म करके ये फाइंड आउट करना होता है कि आप उस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स या पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हो। जैसे आप अगर एक एनिमेटेड स्टोरी टाइम वीडियो बना रहे हो जिसमें आप कोई सोशल मैसेज को बताना चाह रहे हो, तो आपको ऐसा ध्यान में रखना है कि आपकी वीडियो उस मैसेज के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है और एंड में आप अच्छी तरह मैसेज कन्वे कर पाओ। अगर आप कोई कॉमेडी स्टोरी टाइम वीडियो बना रहे हो तो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा कि कौन कौन से फनी डायलॉग्स, पंच लाइन्स और ह्यूमर आप ऐड कर सकते हो। ये सारा सब कुछ आपको रफली पेन पेपर से लिख लेना है। तो ये था आपका पहला स्टेप और अब हम जंप करते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो है स्क्रिप्ट राइटिंग। अब पहले स्टेप के बाद आपके पास वो सारे आइडियाज़, डायलॉग्स आ गए होंगे और अब आपको बस वो सारी इमेजिनेशन दिमाग में रख के पेन पेपर लेके लिखना स्टार्ट करना है। अब क्या लिखोगे? वेल, आपको वो इमेजिन करके ये नोट डाउन करना है कि फॉर एग्जांपल वीडियो का इंट्रो कैसे होगा, क्या क्या डायलॉग्स डाल सकते हैं, फिर उसके बाद वाले सीन में कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, उनके एक्शंस कैसे होंगे, एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, क्या क्या साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होगा, थ्रिलिंग होगा, हैपनिंग होगा, सैड होगा, कैसा होगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेलिंग के साथ नोट डाउन कर लेनी है, या आप कुछ ऐप्स भी यूज़ कर सकते हो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। स्क्रिप्ट राइटिंग यार एक आर्ट है और विथ टाइम आप इसमें मास्टर हो रहे होते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा यार कि आप एटलीस्ट 3 से 4 दिन लगाए स्क्रिप्ट बनाने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट बस 1 घंटे में निपटा दी, पर आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। ओके, तीसरा स्टेप है कि आपने अब तक जितने भी डायलॉग्स, पंच लाइन्स अपनी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करनी है। और ये रिकॉर्डिंग आपने बहुत ही परफेक्शन के साथ करनी है क्योंकि ये वीडियो में डालने वाले हैं। आप अगर अपनी वॉइस को एडिट करना चाहते हो तो कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे ऑडेसिटी और एडोब ऑडिशन। अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं यार, नेसेसरी नहीं है। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, अपना फ़ोन ही काफ़ी होता है अगर आप एक बिगिनर हो तो, और माइक हो तो वेल एंड गुड। अब यार सबसे इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट अवेटेड पार्ट फॉर एनिमेटर्स, जो है एनिमेशन। हाँ, अब आपको अपनी रिकॉर्डेड वॉइस के अकॉर्डिंग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनानी स्टार्ट करनी है। हमने वॉइस पहले रिकॉर्ड कर ली एनिमेशन के पहले, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है कि आप अपने कैरेक्टर्स को लिप सिंक कर सकते हो ऑडियो के साथ। जैसे आपने आरजी के एनिमेशन में तो देखा ही होगा, मुझे अटेंशन दो। एनिमेशन के कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर्स बताऊँ तो एडोब एनिमेट एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। आपके सारे फेवरेट एनिमेटर्स जैसे आरजी बकेट लिस्ट, कीर्ति चाओ, लगभग सभी एडोब एनिमेट पे ही एनिमेशन बनाते हैं। पर मैं बता दूँ कि ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ये पेड सॉफ्टवेयर है। अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर से शुरू करना चाहते हो तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब फिफ्थ स्टेप, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो है वीडियो एडिटिंग। इस स्टेज के दौरान आपकी एनिमेटेड वीडियो शेप लेने लगेगी। आपको ऑडियो और एनिमेटेड फ्रेम्स परफेक्टली सिंक करना है इस स्टेप के दौरान। अब आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि नो कॉपीराइट साउंड का ही यूज़ करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो। साउंड इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड करना है तो फ्री साउंड बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और बैकग्राउंड म्यूज़िक को NCS यानी कि नो कॉपीराइट साउंड, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जिसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एडिटिंग के लिए काफ़ी सारे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एडोब प्रीमियर प्रो, पर अगेन वो भी पेड है, तो आप ओपन शॉट, VSDC, डाविंची रिजॉल्व जैसे फ्री सॉफ्टवेयर्स भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे हैं। इस प्रोसेस के दौरान आपको ट्राई करना है कि आपकी पूरी की पूरी क्रिएटिविटी इसमें डाल दो, क्योंकि भाई ये लास्ट स्टेज था वीडियो बनाने का। लेकिन इसके बाद अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो थंबनेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप कैनवा जैसे फ्री वेबसाइट्स की मदद से अच्छा थंबनेल बना सकते हो। और यूट्यूब पे अपलोड करते वक्त टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स भी अच्छे से डालना यार, ताकि आपकी वीडियोज़ लोगों तक पहुँच सके।
और अपनी वीडियो बना लेने के बाद मुझे मत भूलना यार, अपलोड करने के बाद मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है its.justrohan। आई होप आप ये सारी स्टेजेस अच्छे तरह से समझ गए होंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में लिख देना, आंसर कर दूंगा। तो बस यार बहुत हो गई बातें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अपने जैसे ही हसलर फ्रेंड्स को वीडियो शेयर भी कर देना, और अगर वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तो कमेंट्स में डाल देना। सो दैट्स इट यार, बाय।